हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजदे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं इस टाइप का फोटोग्राफ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसका ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूँ। एंड इस टाइप का अमेजिंग फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सो आप लोग भी इस टाइप का अमेजिंग फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी फोटोग्राफी फ्रेंड्स हैं या फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शूट करते हैं। दोस्तों, इस टाइप का अमेजिंग फोटोग्राफ्स क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बढ़िया करके एक फ़ोटो क्लिक कर लेना होगा। कुछ इस टाइप का पिक आप लोगों को क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट, आप लोगों को कोई भी म्यूज़िक प्लेयर ऐप खोलना होगा। मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देन आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है म्यूज़िक प्लेयर का। देन आप लोगों को क्या करना होगा, इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करना है। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आप लोग ओपन करने के बाद ऐड फोटोज़ में जाना होगा। तो ऐड फोटोज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लिया है उस स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट फोल्डर में जाके स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट को ऐड करना है। सो दोस्तों, स्क्रीनशॉट को ऐड करने के बाद हम लोग को फोटो को कर लेना है क्रॉप। सो फोटो को कुछ इस तरीके से क्रॉप करना है। आप लोग इस फोटो को टेक्स्ट के बिना भी क्रॉप कर सकते हो, टेक्स्ट आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इस फोटो को कर लेना है क्रॉप, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से क्रॉप करना है आप लोगों को भी। सो दोस्तों, फोटो हो गया क्रॉप। अब फोटो क्रॉप करने के बाद अभी इस फोटो को कर लेना है ब्लेंड। सो ब्लेंड ऑप्शन में जाके फोटो को लाइटन करना है, कुछ इस तरीके से लाइटन करना है। तो लाइटन करने के बाद फोटो कुछ इस तरीके का आएगा। अभी इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर देना है। सो दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया है ऐड। अभी हम लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को ऐड करना है। इस टेक्स्ट में आपका फेवरेट जो म्यूज़िक नेम है, मतलब कि फेवरेट सॉन्ग नेम है, फेवरेट सॉन्ग नेम आप लोग ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट सॉन्ग नेम ऐड कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को सबसे पहला जो फॉन्ट है आर्काइव ब्लैक, इस फॉन्ट को ऐड करना है। कुछ इस तरीके से फॉन्ट को ऐड करना है। दोस्तों, पिक्सआर्ट के अलावा आप लोग चाहो तो स्नैपशीट में भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो स्नैपशीट में कुछ इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, टेक्स्ट को ऐड करना है, मतलब अपना फेवरेट जो म्यूज़िक नेम है, सॉन्ग नेम है, कुछ इस तरीके से लिखना है, कुछ इस तरीके से ऐड करना है। देन आपको स्नैपशीट में भी डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से फॉन्ट को ऐड करना है। सो दोस्तों, अभी हम लोगों को इसको क्या करना है, इसको करना है डन। तो डन करने के बाद क्या करना है, हम लोगों को सिंपली इस फोटो को करना है सेव। सो फोटो को कुछ इस तरीके से सेव करना है। तो गाइस, फोटो सेव करने के बाद हम लोगों को इस फोटो को लाइटरूम में रिटच करना है। सो दोस्तों, लाइटरूम में फाइनल रिटच के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा मिला जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डोप लग रहा है। एंड गाइस, इस टाइप का अमेजिंग फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एंड आप लोग भी इस टाइप का अमेजिंग फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं एंड आप लोग भी इंस्टाग्राम पे वायरल हो सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सो आज के लिए इतना रहेगा वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।